दोस्तों बजाज ऑटो ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है और जिसमें वो बता रहे हैं कि अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया है और अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उनके सरप्लसेस का 50% मिनिमम से लेकर 90% हायर तक जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सरप्लसेस अवेलेबल विद द कंपनी। अब इक्विटी में इन्वेस्ट करने के यही तो फायदे हैं जिसमें कि आपको डिविडेंड मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब अगर स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं तो वहां से भी आपको एक एप्रिसिएशन मिलता है। तो इसका मतलब बजाज ऑटो के इन्वेस्टर मालामाल, भाई पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। गालिब ने भी कहा था कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। जरा रुकिए दोस्तों, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्या कंपनियों का डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा देना वास्तविक में शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है या उस डिविडेंड को रिटेन करके अपने बिजनेस में लगाकर बिजनेस को बढ़ा करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हम इसको समझते हैं फर्ज के तौर पे कि आपने दो जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है, एक इफिशियंट कंपनी के साथ और एक लेसर इफिशियंट कंपनी के साथ, मतलब एक लायक आदमी के साथ और एक नालायक के साथ। और अगर आपको वो एफिशिएंट कंपनी या वो लायक आदमी जिसको जिस पे आपने बेट किया है, जिस पे आपने पैसे लगाए हैं, वो अगर अपने बिजनेसेस से पैसा निकाल के आपको देता है तो वो आपको थोड़ी देर के लिए चिंता नहीं होगी कि ये पैसा जो मुझसे दे रहा है शायद बिजनेसेस कहीं पर इसको कहीं भी लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं बिजनेसेस में, आपको चिंता तो जरूर होगी। यस, और वहीं पर आप ये चाहेंगे कि जो लेसर इफिशियंट है जहां पर आपने पैसा लगा रखा है वो अगर आपको पैसा दे तो वो ज्यादा बेहतर होता है ना। यस जी हाँ, क्यों? क्योंकि जो इफिशियंट आदमी है आपके पैसे को कई गुना करता है और जो लेसर इफिशियंट है चूंकि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप कम है या उसके सोच या उसके बिजनेस प्लान ऐसे हैं कि आपके पैसे में ज्यादा इजाफा या आपका जो वेल्थ है वहां पर ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए जो लेसर इफिशियंट कंपनियां हैं अगर उनके पास कैश सरप्लस होता है तो उन्हें वापस करना चाहिए शेयर होल्डर्स को, वो मतलब शेयर होल्डर्स के वैल्यू को वहां बढ़ता है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी जो कि ज्यादा एफिशिएंट है या सुपर एफिशिएंट हो और वहां से अगर वो पैसा वापस करता है, इसका मतलब है कि वो जिस रेट पे पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न ले रहा था अब शायद उसके पास वो एवेन्यू नहीं है जिससे कि वो पैसे कमा सके, इसलिए वो पैसे अपने शेयर धारकों को वापस या आपको वापस कर रहा होगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझेंगे कि वास्तविक में बैलेंस शीट पे जो टेक्निकलिटी है वो क्या चीज है और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वास्तव में डिविडेंड कंपनियों से लेना कितना फायदेमंद एज अ इन्वेस्टर हो सकता है। तो हम बजाज ऑटो के बैलेंस शीट पे देखेंगे कि किस तरह से बैलेंस शीट और मिक्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट इन सारे चीजों को मिक्स करके देखेंगे कि जो बजाज ऑटो का कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसके साथ हम देखेंगे कि इनके डिप्रिसिएशन है, इन दो आइटम्स पे बात करेंगे। फिर इनके हम इनकम स्टेटमेंट पे प्रॉफिट किस तरह से रही है, इनके मार्केट कैप कैसे रहे हैं और इन सारी चीजों को मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल में बजाज ऑटो के फाइनेंशियल्स क्या दर्शा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज हम दो चीजों को देखते हैं बैलेंस शीट पे और इनकम स्टेटमेंट के आइटम है जिसमें कि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है जिसके कारण कि वो वेयर एंड टेयर को यूज कर सकते हैं। अगर कंपनियों के पास जो एसेट है उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है मतलब उसमें फिर से वो ऐड कर सके उतना पैसा वो निकालते हैं। साथ हम कैपेक्स की बात करते हैं कि कंपनियां कितनी कैपेक्स कर रही हैं, क्योंकि ग्रोथ करती हुई कंपनी हमेशा अपने पैसे कैपेक्स में डालती है और एसेट्स को बढ़ाती है, ग्रो करती है। आप अगर आपको ध्यान भी होगा कि जो ग्रोथ जो नेशेंट स्टेज पे कंपनियां रहती हैं इक्विटी में पैसा लेके आती हैं आईपीओ के जरिए, तो बहुत दिनों तक हो सकता है कि वो डिविडेंड भी नहीं दें या डिविडेंड दें तो उनके डिविडेंड पे आउट रेशियोज काफी कम होते हैं। लेकिन एक मेच्योर बिजनेस हो, कैश फ्लो हो बिजनेस में, तो वो कंपनियां ज्यादा डिविडेंड देती हैं क्योंकि उनके पास अब कोई एफिशियंट सोर्स ऑफ जो है एम्प्लॉयमेंट कह लें उस पैसे का नहीं रहता है, इसलिए वो कंपनियां वापस कर देती हैं। चलिए देखते हैं कि बजाज ऑटो में किस तरह से चीजें स्थिति दिख रही है। तो 2014 से लेकर 2020 तक के आंकड़े हमारे सामने हैं। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे डेप्रिसिएशन, ये मिलियन में फिगर है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फिल्म 1813 जो दिखा रहा 181 करोड़ रुपए होगा
करोड़ में, तो 181 करोड़ का डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। मतलब जितनी कंपनियों के पास जो एसेट था उनकी एफिशिएंसी कम हुई, उससे ज्यादा कंपनी ने उस साल में कैपेक्स में पैसा डाला, ये चीज ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, 2015 में 267 करोड़ के करीब का डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, वहीं पर तकरीबन 269 करोड़ का इनका कैपेक्स है, मतलब ऑलमोस्ट मैचिंग है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति होती है कि आप अगर मैचिंग करते हैं तो आप केवल और केवल उतने ही एसेट में पैसा डाल रहे हो जितने की एफिशिएंसी कम हुई है, मतलब ग्रोथ के आसार कम होते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या हुआ, 307 करोड़ रुपए इन्होंने डेप्रिसिएशन में लिया और कैपेक्स में पैसा कितना डाला, 265 करोड़, मतलब जितना एफिशिएंसी कम हुआ उससे कम ही पैसा डाला, ग्रोथ एसेट में पैसा नहीं गया। उसके नेक्स्ट ईयर देखें 17 में 307 करोड़ डेप्रिसिएशन में, 199 करोड़ केवल और केवल कैपेक्स में, यहां भी कम रहा। और उसके बाद वाले साल 2018 में देखें तो 314 करोड़ डेप्रिसिएशन में 182 करोड़ का केवल जो है इन्होंने कैपेक्स डाला, मतलब जितना एफिशिएंसी कम हो रही है इनके एसेट्स की उससे कम पैसा डालने, मतलब एक्चुअल में एसेट साइज में ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंपनी नहीं कर पा रही है। और उसके बाद 2019 में अगर देखें ये आंकड़ा और फिर से गिरा, 265 करोड़ रुपया इन्होंने डेप्रिसिएशन लिया और केवल 163 करोड़ रुपए का ही इन्होंने जो है इसमें कैपेक्स किया। लास्ट ईयर जो है थोड़ी स्थिति सुधरी और उन्होंने ग्रोथ में एसेट में पैसा डाल रहे हैं, 282 करोड़ रुपया इन्होंने कैपेक्स में पैसा डाला और केवल 246 करोड़ रुपया इन्होंने डेप्रिसिएशन में लिया, तो ये थोड़ी स्थिति ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो ब्लूमबर्ग पे अनुमान है एनालिस्ट का, ये वो अच्छी स्थिति दिख रही है, जहां पर कि 339 करोड़ नेक्स्ट ईयर पैसा डाल रही है कंपनी जो है, और उसके बाद वाले साल में तकरीबन 492 करोड़ रुपए डाल रही है, तो ये थोड़ी अच्छी स्थिति है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में कि ग्रोथ क्या हुई है, तो नेट इनकम की जो ग्रोथ है 2014 से लेकर 2019 के बीच में देखें तो 2014 में 3400 करोड़ रुपए की कमाई थी, और नेक्स्ट ईयर चूंकि इन्होंने ग्रोथ में पैसा नहीं डाला था तो 3000 करोड़ की कमाई, उसके बाद 4000 करोड़ की कमाई, थोड़ी सी कमाई बढ़ी है 2016 में, लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखें 2017-18 में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है इनका, क्योंकि ग्रोथ में कंपनी ने पैसा ही नहीं डाला, हमने जैसे नीचे देखा था कि ग्रोथ में कंपनी ने पैसा नहीं डाला। उसके बाद वाले साल में थोड़ी ग्रोथ दिखी है 17% के करीब आसपास नेट प्रॉफिट में, और इस साल दिखी है चूंकि जो है लास्ट ईयर दिखी है, क्योंकि अब धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ में डाल रही है पैसा, तो जब तक ग्रोथ और किसी भी कंपनी के फिनोमिनल ग्रोथ में लाने के लिए उसको असेट में पैसे डालने पड़ते हैं, अपने कैपेक्स में पैसे डालने पड़ते हैं, अदरवाइज नहीं होता। क्योंकि ये जो लास्ट ईयर गया वो पैंडेमिक था, और इस पैंडेमिक में सबसे बड़ी चीज मोबिलिटी की इसका एक बड़ा इशू आया था, और बहुत सारे लोगों ने, और जो देखें कि टू व्हीलर कह लें, फोर व्हीलर कह लें, बहुत से लोगों ने खरीदा था क्योंकि पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कह लें ये नहीं यूज करना चाहते हैं, खुद का एक लेके डिस्टेंसिंग बनाई जाए COVID-19 के कारण, ये सारी चीजें हैं, और कंपनी शायद इसीलिए नेक्स्ट ईयर जो है इसमें एक अच्छा पैसा भी डाल रही है। तो आने वाले दिनों में सबसे अच्छी बड़ी चीज होती है देखना जरूरी हमको ये है कि कंपनियां कितना ग्रोथ एसेट में पैसा डालती हैं, और वही वास्तविक रूप में कंपनी को के शेयर होल्डरों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। क्योंकि अगर इस कंपनी को देखें बजाज ऑटो की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 2014 में 37% की थी, जो धीरे धीरे घटते हुए 23% 2019 में आ गई है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ एसेट में ज्यादा पैसा नहीं डाला गया है इसमें, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की बात कर लें तो वो भी 31% से गिरते गिरते 16% के करीब इस साल आ चुका है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल की भी बात कर लें तो सारे फिगर्स, ये जो मेन इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, वो धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है स्टॉक के लिए, और क्योंकि इसमें रिटर्न रेशियो नीचे आ रहे हैं। स्टॉक प्राइस में क्या बढ़ोतरी हुई है एक्चुअली ग्रोथ में पैसा नहीं डालने के कारण, तो 2014 में 60,000 करोड़ के करीब का इनका मार्केट कैप था। अब 60,000 करोड़ का मार्केट कैप 2019 तक आते आते अगर देख लें तो 80,000 करोड़ ही केवल हुआ है, मतलब ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं हुई है। मतलब आप कह लें कि 4 सालों में उतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना एक अच्छे स्टॉक्स में ग्रोथ होता है। अब चूंकि देखें कि चूंकि लास्ट ईयर पैंडेमिक का साल था, और 2020 में फाइनेंशियल ईयर में तो 58,000 करोड़ ही मार्केट कैप था इनका। उसके बाद इस साल इनका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ हुआ है, क्योंकि इसमें डिमांड दिख रही है और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये एसएस में, ताकि लग रहा है कि सामने जो है कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ आ सकता है।
जी हाँ दोस्तों, अब जैसा कि हमने देखा कि एफिशिएंट कंपनी बजाज ऑटो एक एफिशिएंट कंपनी है, और उस एफिशिएंट कंपनी ने बहुत सालों तक, देखें कि 4-5 सालों तक जो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया ग्रोथ एसेट में, जिसके कारण इनके भाव भी स्टेग्नेट करते रहे। और डिविडेंड देखें तो उन दिनों ये तकरीबन 42% से लेके 47% के बीच में डिविडेंड पे आउट करती रही है और ग्रोथ एसेट में पैसा नहीं डाला। और हमने उनके स्टॉक प्राइस को भी देखा कि स्टैग्नेट कर रही है, ग्रोथ एसेट्स में पैसा डाल रही है, जिसके कारण कि इनके स्टॉक प्राइस में जो है इजाफा हो सकता है। लेकिन कोई भी कंपनी अगर इनएफिशिएंट है, उसके लिए डिविडेंड देना बहुत जरूरी है कि वो जो भी सरप्लस पड़े हैं उनको वापस देना चाहिए। जैसे अगर आप कह लें कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, आप अगर देख लें वहां पर काफी ज्यादा अच्छा डिविडेंड पे आउट आता है, लेकिन कंपनी की एफिशिएंसी को हम देख लें, क्योंकि कंपनियां जो है ग्रोथ एसेट में पैसा नहीं डालती हैं, गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है, तो वो सारा पैसा जो है गवर्नमेंट सर्व करती है, उनसे ले लेती है। और अगर वो कंपनियां कैपेक्स करके पैसा भी लगाएं तो उनके रिटर्न रेशियो उतने अच्छे नहीं है कि आपके पैसे को रिटेन करके वो एक अच्छा मुनाफा फिर से आपको आने वाले दिनों में दे सके। तो हमें ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि कंपनियां अगर डिविडेंड दे रही हैं तो वो कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड इन द सेंस एफिशिएंट है कि नहीं। अगर एफिशिएंट है, दे रही है पैसे वापस आपको ज्यादा, तो एक चिंता का विषय है। आप खुद ही सोचें, मुझे लगता है कि मैंने एक पिक्चर रखने की कोशिश की है, आप खुद सोच के देखें कि मैंने जो बात कही है, जो रैशनल है, उसमें कितनी सच्चाई है कि डिविडेंड लेना अच्छा है आपके लिए, कि डिविडेंड रिटेन करके वो कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो फर्दर ग्रोथ एसेट्स में लगाए और अपने रिटर्न रेशियो, जो उनके रिटर्न रेशियोज हैं, उसी पे आपके वेल्थ को क्रिएट करें। और ऐसे जब भी करती हैं कंपनियां तो उसके स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब डिविडेंड आपका मिलता तो है थोड़ा सा, लेकिन हम फोरगो क्या करते हैं, एक बड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन। जो कंपनियां ज्यादा डिविडेंड देती हैं, आप देखेंगे हिस्टोरिकली उनके कैपिटल एप्रिसिएशन कम होते हैं, लेकिन जो कंपनियां उस डिविडेंड को रिटेन करके ग्रोथ एसेट में पैसा डालती हैं, उन कंपनियों में एक बड़ा जो है वेल्थ क्रिएशन देखने को मिलता है। बारिंग सम सॉफ्टवेयर कंपनियां जहां पर की कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती हैं, तो सॉफ्टवेयर कंपनियां जनरली आप अगर देखोगे तो वहां डिविडेंड पे आउट ज्यादा होता है। लेकिन अदर देन दैट, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो हम जो है इसी तरह से देखते हैं कि कंपनी को ग्रोथ एसेट्स में पैसा डालना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो कि मैंने जो बात कही कि डिविडेंड लेना ज्यादा अच्छा है कि उसमें लगा के रखना, कंपनी में जो है रिटेन करके कंपनियां पैसा फिर से ग्रोथ करें, वो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।